सब्सक्राइब कीजिए टेक्नीशियन राहुल चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले। हे ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन राहुल। तो दोस्तों आज का कंपैरिजन लेके आया इन्फिनिक्स नोट 4, पैनासोनिक लियोगर रेव 700 एंड माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 के बारे में। दोस्तों इनका कंपैरिजन शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को। और इस वीडियो से पहले भी मैंने ट्यूटोरियल दिया था कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना कर लीजिए। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन स्कोर की बात करें तो 81 है माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में, पैनासोनिक के लिए गर रेस 700 में 71 है, इन्फिनिक्स नोट 4 में 70 है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नोगट दोनों में मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 4 और पैनासोनिक इलेगर रे में, वहीं मार्शमेलो मिलता है माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में। और फुल कंपैरिजन की बात करें तो सिम टाइप आपको जीएसएम 3 में मिल जाता है, पर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में। इसका मतलब ये है अगर मेमोरी कार्ड डालना चाहेंगे तो एक ही सिम डाल सकते हैं। ड्यूल सिम दोनों में, माइक्रो सिम इन्फिनिक्स में, नैनो सिम इसमें, माइक्रो सिम प्लस नैनो सिम इसमें मिल जा रहा है आपको। स्मार्टफोन तीनों ही हैं, अगस्त 2017 को लॉन्च हुए थे, हुआ था इन्फिनिक्स नोट 4, पैनासोनिक इलियोगा और माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2, दोनों सितंबर 2017 में लॉन्च हुए थे। डायमेंशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, वेट भी दिख रहा होगा, भारी है ज़्यादा इन्फिनिक्स नोट 4। डिस्प्ले की बात करें तो 16:1 कलर्स नहीं मिलता है इन्फिनिक्स नोट 4 में, बाकी कलर IPS स्क्रीन तीनों में है। मल्टी टच तीनों फ़ोन हैं। और साइज़ की बात करें तो 5.7 साइज़ है। PPI की बात करें तो पैनासोनिक के लिए अगर और माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2401 PPI के हैं, और वहीं 386 PPI आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 4 में। फीचर्स बात करें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 स्क्रीन प्रोटेक्शन, मतलब इसमें कॉम्बो है, अगर आपकी स्क्रीन टूटती है तो ज़्यादा खर्चा आ सकता है पैनासोनिक में। और टू बी कन्फर्म स्क्रीन प्रोटेक्शन। मेमोरी की बात करें माइक्रोमैक्स में ज़्यादा है, 4 GB है, इंटरनल भी डबल है 64 GB। कार्ड स्लॉट तीनों में, पर पैनासोनिक के लिए अगर मैं आपको जनरली 32 GB आप बढ़ा सकते हैं, और वहीं माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में हाइब्रिड स्लॉट है, अगर एक सिम डालिए तब आप बढ़ा सकते हैं। और वहीं इन्फिनिक्स नोट 4 में आपको मिलता है 128 GB और दोनों सिम डाल के। तो GPRS तीनों में, एच तीनों में, 3G तीनों है, 4G तीनों है, वोल्ट तीनों सपोर्ट करते हैं, वाईफाई विथ हॉटस्पॉट भी तीनों सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ तीनों सपोर्ट करते हैं पर इन्फिनिक्स नोट 4 बेटर करता है, USB भी तीनों सपोर्ट करते हैं पर इन्फिनिक्स नोट 4 की बेटर है। कैमरा अच्छा है, 16M कलर्स 16 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें विथ ऑटो फोकस माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में, और इन्फिनिक्स नोट 4 और पैनासोनिक के लिए अगर रे 700 में 30 मेगापिक्सल है, पर ऑटो फोकस पैनासोनिक में मिल जा रहा है। ड्यूल कैमरा किसी में नहीं है और सेम स्पेसिफिकेशन है इन्फिनिक्स नोट 4 के, इन दोनों के बराबर हैं, पर बस उसमें ये नहीं है जियो टैगिंग नहीं मिलता है, प्रोमनार नहीं मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग बेस्ट है, ड्यूल LED है पैनासोनिक और माइक्रोमैक्स में, इन्फिनिक्स में LED है। फ्रंट कैमरा देखें तो 13 मेगापिक्सल है विथ फ्लैश, वैसे तो फ्लैश इन्फिनिक्स नोट 4 में भी 8 मेगापिक्सल है। और वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया था। और इस प्रोसेसर बात करें तो सबसे अच्छा प्रोसेसर माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 का, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन मिलता है क्वालकॉम MSM 8953 के साथ, 2 GHz का है वो भी, मतलब फास्ट चलेगा। और इसमें तो सेम प्रोसेसर है पैनासोनिक और इन्फिनिक्स में, मीडियाटेक का 1.3 GHz है। माली दोनों फ़ोन है पैनासोनिक और इन्फिनिक्स नोट 4, वहीं माइक्रोमैक्स एंड्रॉइड 506 है। जावास्क्रिप्ट कोई नहीं सपोर्ट करती, HTML तीनों सपोर्ट करती है। मल्टीमीडिया की बात करें, इंस्टेंट मैसेजिंग तीनों में, ईमेल तीनों में है, वेव्स अच्छी हैं तीनों की, FM रेडियो तीनों में है, वीडियो तीनों सपोर्ट करती है, डॉक्यूमेंट रीडर तीनों सपोर्ट करती है, GPS विद GPS सपोर्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों में, एक्सेलेरोमीटर कंपास फिंगरप्रिंट सब में है, पर आपको माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 में जायरोस्कोप मिल जाता है। हेडफोन जैक 3.5 mm हेडफोन जैक है। टाइप की बात करें, तीनों नॉर्मल रिमूवेबल बैटरी और बिगर साइज है पैनासोनिक के लिए होगा रेस 700 का, तो बैटरी की बात ही ना करें, 5000 mAh बहुत बड़ी बैटरी, जाइंट बैटरी है। तो अगर मैं बात करूँ इन बैटल की, तो बैटल के हिसाब से जीता तो माइक्रोमैक्स 5 यूरेगा 2 है, पर इन तीनों में से जो बजट में भी फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है पैनासोनिक के लिए अगर रेस 700 लगा है, क्योंकि उसमें कैमरा भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा मिल जाता है, बैटरी भी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों पैनासोनिक इलेगर रे ऑफिशियल जीत गया ये बैटल,
और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।